असलम डर स्टूडेंट वेलकम टू द स्टार्स अकेडमी हेड ऑफिसबाल टाउन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर यूनिट नंबर टू और उसका लेक्चर नंबर वन आज हम डिस्कस करते हैं और यूनिट नंबर टू जो उनका है इट्स अबाउट बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स राइट सो लेट्स डिस्कस इससे स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से क्वेश्चन है आपसे डैश बायो मालिक्यूल्स डैश बायो मालिक्यूल्स एक्ट एज स्टॉप फॉर लाइफ एक्ट एज ए स्टॉप फॉर लाइफ आपके कौन से बालिक्यूल बा्यूल जिनको हम बोलते हैं स्टॉप फॉर लाइफ ऑप्शन ये आपके पास इज दैट कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम कार्ब बोलते हैं राइट बी ऑप्शन आपके पास इज दैट लिपर्स सी ऑप्शन आपके पास है इज दैट प्रोटीन या फिर डी ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ दिस वॉट शुड बी द राइट आंसर यस एग्जैक्टली इसका राइट right आंसर जो है यहाँ देखिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को बोल रहे हैं बिकॉज दे प्रोवाइड इनर्जी दे आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ इनर्जी, राइट तो अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ इनर्जी, द सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ इंस्टेंट इनर्जी इज इंस्टेंट इनर्जी इज डैश इंस्टेंट आपको आपको यानी एनर्जी किस चीज से मिलेगी ऑप्शन अगेन आपके पास सेम है ऑप्शन ए इज दैट अ कार्बोहाइड्रेट इन कार्ब्स बी ऑप्शन इज दैट अगेन सी ऑप्शन आपके पास इज दैट प्रोटीन या फिर अगेन ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ दीज जी इसका क्या राइट आंसर आएगा एग्जैक्टली इसका राइट आंसर बी कार्बोहाइड्रेट्स ही है ठीक है जी बात तो कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट फॉर एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है तो आपको आइडिया होगा होगा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स सो कार्बो की हम बात करते हैं राइट सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स इफ यू सी इसमें देखिए वर्ड आ रहा है कार्बो एंड डेफिनेटली दैट वर्ड इज फॉर कार्बन के लिए वर्ड है हाइड्रेट्स हाइड्रेट किसको बोलते हैं वाला दैट इज फॉर द वाटर के लिए वर्ड होता है यानी ऐसी कार्बन जिसके साथ क्या अटैच होगा वाटर होगा सो so, लिटल इसका मीनिंग क्या बन गया दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड कार्बन हम इसको बोलते हैं राइट सो इट्स हाइड्रेटेड कार्बन यानी ऐसी कार्बन जिसके साथ अटैच है वाटर मालिक्यूल अंडरस्टैंड इफ यू डिफाइन इट के वट आर कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो क्या बोलेंगे बोलेंगे इसमें पोलीहाइड्रोक्सी पोलीहाइड्रोक्सी इधर अल्डीहाइड और किटोन्स हैं राइट पोलीहाइड्रोक्सी अल्डीहाइड्री और किटोन विच ऑन हाइड्रोलसिज राइट विच ऑन इधर हाइड्रोलसिस और यू में से इसकी ऑक्सीडेशन और यू में से इसकी रिडक्शन राइट रिडक्शन सो so, जब भी इनकी हाइड्रोलिस होती है ऑक्सीडेशन होती है या फिर रिडक्शन होगी तो ऑब्वियसली दे विल यील्ड देयर सब यूनिट सो यील्ड सब यूनिट जिस चीज से बने हुए हैं वही ऑब्वियसली आपको मिलेगी ठीक है तो इसको नाम दे रहे हैं क्या बोला डेफिनेटली सो आर द कार्बोहाइड्रेट वोली हाइड्रोक्सी यू नो पॉली मीन मेनी राइट पॉली मीन मेनी हाइड्रोक्सी यू नो हाइड्रोक्सी इज फॉर ओएच ग्रुप्स यानी बहुत सारे ओएच ग्रुप्स हैं ठीक है एंड दे आर इधर अटैच विद दिस हाइट ग्रुप एंड आपको आइडिया होगा दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज ग्रुप ओके एंड ग्रुप कीटोनिक ग्रुप की जब बात करेंगे सो दिस इज अ कीटोनिक ग्रुप राइट तो बहुत सारे वो ग्रुप या तो अल्डीहाइट के साथ ग्रुप के साथ अटैच होंगे या फिर दे इधर अटैच विदोनिक ग्रुप ठीक है और तो जब इनकी हाइड्रोलसिस होगी ऑक्सीडेशन होगी रिडक्शन होगी तो याद रखिए आपको क्या देंगे यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं पॉइंट क्लियर हो गया ओके okay, यहां पर मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि डैश क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्लास ऑफ कार्ब्स डू नॉट प्रॉपरली फिट प्रॉपरली फिट इन द डेफिनेशन ऑफ इन द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जी आपके कौन सी क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के ऊपर फिर नहीं बैठ रही ऑप्शन ए क्या ये मोनोसेक्राइड है या फिर आपके पास है इज दैट पॉलिसक्राइड्स या डी ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दिस जी क्या ख्याल आपका इसका क्या राइट आंसर आएगा यस एग्जैक्टली द राइट आंसर इज मोनोसिकराइड होगा वाई शुड बी मोनोसिकराइड बिकॉज पढ़ते मोनोसेक्राइड को फर्दर हाइड्रोलिस नहीं होती ठीक है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि fit, तो आंसर, है. क्योंकि कहा इसकी हाइड्रोलिस होती है बट मोनोसेक्राइड की हाइड्रोलिस नहीं होती ठीक है अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की सो टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन तो इसमें हमारे पास क्या है आपको so, आइडिया आप क्वेश्चन किया जाए कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर आर कंपोज ऑफ डैश किस से बने होते जी ऑप्शन ए इज दट मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बी ऑप्शन इज दट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सी ऑप्शन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस या फिर डी ऑप्शन आपके पास है कार्बन हाइड्रोजन फास्फोरस एंड सल्फर जी क्या इसका राइट आंसर बनेगा एग्जैक्टली इसका राइट right आंसर क्या है दिस वन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ठीक है जी बात तो याद रखिएगा इसकी कंपोजिशनली तीन चीजें से है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यू सी जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट तो क्या होता है आपने दिस इज़ इसमें आपको आइडिया एक्स की जो वैल्यू दिस कुड बी थ्री फोर फाइव एंड देन मेनी थाउजेंड तक जाएगा राइट और वाई की वैल्यू जो है वाई कुड बी द सेम और दिस कुड बी द डिफरेंट वन पॉइंट समझ में आ गया जी तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द थ्री क्योंकि आपको आइडिया है सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सिंपलेस्ट वो आपको तीन कार्बन वाले होते हैं रिमेंबर अगर आप कैलवन साइकिल पढ़ें तो सबसे पहले जो शुगर बन के निकलता है वो कितनी कार्बन वाला होता है ऑब्वियसली थ्री कार्बन वाला सिंपली ट्राइव बोलते हैं इसको रिमेंबर एग्जैक्ट exactly. तो ये हमारे पास क्या है कार्बोहाइड्रेट्स देन अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं तो आपको आइडिया के सिंसिस के अकॉर्डिंगली दे आर बाय डेफिनेटली फोटो सिंसिस से बनते हैं राइट सो दे आर बाय फोटो होती है इनके अंदर ठीक है फोटो में आपको आइडिया है कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को लाते हैं और क्या बनाते हैं और विशेष ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करते हैं क्लियर तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है क्या बना ग्लूकोज बना है और क्या है ये ग्लूकोज ऑब्वियसली ये कार्बोहाइड्रेट्स में से है अंडरस्टैंड अच्छा अगर आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बो कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्स्टिट्यूट डैश परसेंट ऑफ मेमिलियन सेल ऑफ मेमिलियन सेल

Went to different molecules Went to different molecules belonging to to different categories belonging to to different categories to different categories they combine to form so when they combine currently so kabana obviously combine to form what राइट सो कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल बना रहे हैं दो डिफरेंट मालिक्यूल किसी से बिलोंग कर रहेगरी so, से बिलोंग कर रहे होते हैं वंस दे कंबाइन तो क्या बनाएंगे कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल बनाएंगे अंडरस्टैंड है कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल ठीक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखिएगा एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स जब ये लिपर्ड से कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं आपने पढ़ा है तो ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है और अगर यही चीज कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन करेंगे प्रोटीन्स के साथ तो क्या बना रहे हैं एग्जैक्ट ग्लाइको की फॉर्मेशन हो रही है पॉइंट समझ में आ गया तो दो चीजें बन गए दीज आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स गौर से देखिए ये दोनों क्या है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है दो डिफरेंट के हैं भाई वो भी कार्बोहाइड्रेट हैं ये, है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जैसे देखेंगे दो डिफरेंट कैटेगरीज के मालिक्यूल ठीक है वंस दे कंबाइन क्या बना दिया उन्होंने कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल बना दिया अंडरस्टैंड है बात अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ग्लाइकोलिपर्ड्स इकोलिपर्ट एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर कॉन्स्टिचुएंट ऑफ डैश किस चीज के कॉन्स्टिट्यूएंट हो रहे हैं आपके ख्याल में ऑप्शन ए इज अ कॉन्स्टिचुएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बी ऑप्शन आपके पास है इज दैट एग मेम्ब्रेन सी ऑप्शन आपके पास है इज दैट प्लाज्मा लीमा प्लाज्मा लीमा है या फिर डी ऑप्शन आपके पास इज दैट अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन सो बायोलॉजिकल जी क्या इसका राइट आंसर आएगा अब देखिए आप सोच रहे होंगे सारी तो मेमब्रेन है लेकिन अब जनरली तौर पर अगर हम देखें तो इसका राइट right आंसर क्या बनेगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन व्हाई क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी ठीक है इसलिए राइट right आंसर क्या बनेगा

और आपको आइडिया क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंगली हम इसको तीन टाइप में डिवाइड करते हैं कौन कौन सी डेफिनेटली मोनोसेक्राइड्स मोनो सेक्राइड्स है देन आप पढ़ते हैं क्या ओबीसी जी ओ एंड डेफिनेटली थर्ड इज़ पॉली

ठीक है अब शुगर्स कौन कौन से हैं ये कॉमन सी चीजें जो आप खाते हैं लाइक like आप अब देखें डायग्राम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा तो यू में से ये सारी चीजें ये डेली बेस पे आप खाते हैं और ये क्या हैं और दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है एंड दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है ये मजे मजे की जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये सारी भी क्या है प्रोवाइड करें कार्बोहाइड्रेट्स आपको क्लियर ओके okay, मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं शुगर हैं सिंपल शुगर हैं तो अगर आप इसके जनरल करेक्टर देखिए हम कहेंगे क्या सो दे आर सिंपलेस्ट हैं सिंपलेस्ट सो दे आर स्वीट एंड दे आर सोलोबल इन वाटर ठीक है इसको आप ट्रिपल एस से भी याद रख सकते इस तरह दैट इज सिंपलेस्ट एज फॉर सिंपलेस्ट एज फॉर स्वीट एज फॉर सोलबल सोलबल इन वाटर है ठीक है और अब कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज क्यू नहीं हाइड्रोलाइज कर सकते क्योंकि सिंपलेस्ट है भाई फर्दर हम इसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते यही चीज हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस की थी कौन है जो प्रॉपरली फिट नहीं बैठ रहा वो मोनोसेक रहा वाई क्योंकि इनकी हाइड्रोलिस नहीं पॉसिबल क्लियर होगी बात क्यू नी पॉसिबल बिकॉज नो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज देयर नो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दैन अंडरस्टैंड हुई बात जी ओके okay. सो so, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड, आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ डैश किसकी बेस के ऊपर हम इसको क्लासीफाई करें जी ऑप्शन ए ज दैट क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन बी ऑप्शन आपके पास इज दैट बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप्स है सी ऑप्शन इज दैट नंबर ऑफ चें नंबर ऑफ चेंज या फिर डी ऑप्शन है आपके पास यू कैन सी ए प्लस बी जी क्या इसका राइट आंसर आ सकता है आपके ख्याल में एग्जैक्टली exactly, दोनों तरह से इसको क्लासीफाई करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन कार्बन एटम्स एंड ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ठीक है अब देखिए जरा कैसे है क्लासिफिकेशन इसकी करते हैं सो वंस वी क्लासीफाइड क्लासिफिकेशन तो आपको आइडिया है कि हम इसको कहते हैं थ्री कार्बन से लेकर सेवन कार्बन तक होते हैं सो स्टार्टिंग फ्रॉम द द्री कार्बन टू द सेवन कार्बन तक होते हैं थ्री कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं थ्री कार्बन को हम कहते हैं और फोर कार्बन वाले को क्या बोलते हैं तो देखिए इसमें हम बात करते हैं क्या बात करेंगे जी? हमारे पास पोस्ट कीजिएगा थ्री कार्बन का मालिक्यूल है थ्री कार्बन देन टॉकिंग अबाउट फोर कार्बन देन ऑब्वियसली फाइव कार्बन है देन सिक्स कार्बन एंड ऑब्वियसली लास्ट वन इज सेवन कार्बन तीन कार्बन वाला है तो आप देखिए इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है थ्री थ्री एच सिक्स ओ थ्री है अब अपने इसमें दो चीजें याद रखनी है एक तो इसका एल्डो शुगर और देन यू विल डिस्कस कीटो शुगर की हम बात करेंगे एल्डो शुगर कौन सा होता है इसका ग्लिसरल्डिहाइड यस दैट वन इज ग्लिसरल्डिहाइड शुगर कौन सा होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एंड इफ यू रिमेंबर दिज आर इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रिमेंबर दैट फोटोसिंथेसिस उठा के देख लें इंटरमीडिएट उनमें रेस्पिरेशन उठा के देख लें दीज आदा इंटरमीडिएट्स क्लियर तो ये इंपॉर्टेंट एक एमसी को बनेगा यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग दर इंटरमीडिएट इन बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन तो क्या राइट आंसर देंगे एग्जैक्टली दिस वन चार कार्बन वाला जो है सी फोर एच एच ओ फोर है ये हमारे पास क्या ए एरिथ्रोज इज द एल्डो शुगर ए सो ए इज वट ऑब्वियसली दैट इज अ कीटो शुगर और ये भी याद रखिएगा दे आर ऑल्सो इंटरमीडिएट्स हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर राइट सो इंटरमीडिएट्स इन बैक्टीरियल फोर्टोसिंसिस के अंदर राइट फोर्टो के अंदर और ये भी हमने कहा दीज आर ऑल्सो इंटरमीडिएट और किसके अंदर ये इंटरमीडिएट्स है डेफिनेट बोथ इन फोटोसिंसिस फोर्टोसिंसिस एंड विस इज रेस्पायरेशन की हम बात कर रहे हैं क्लियर विच वन इज रेयर इन नेचर येस टेट्रोज इज द रेयर इन नेचर है क्लियर तो ये भी इंपॉर्टेंट एक एमसीकूज बनता है इसके अंदर के डैश मोनोसेक्राइड मोनो सेक्राइड इज रेयर इज रेयर इन नेचर तो कौन सा रेयर इन नेचर है दैट इज अ फोर कार्बन इट्स मीन टेट्रोज क्या नाम दिया जाता है वाला टेट्रोस आपको आइडिया है कि तीन कार्बन वाले को बोलते हैं ट्रायोज सही सो दिस वन इज ट्रायोज और ये जो सा है इट्स टेटरोज और ये जो सा होगा दैट विल बी पेंटोज ठीक है दिस हैगजोज एंड यू नो दैट इट्स अ हेप्टोज़ क्लियर पॉइंट चले पांच काबुल मालिक बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया सी फाइव एस टेन ओ फाइव अब इसका एल्डो शुगर कौन सा है एल्डो शुगर सो व्हाट इज द एल्डो शुगर क्या है इज राइबोज़ या इसको एक और एग्जाम्पल भी है डी ऑक्सी राइट डी ऑक्सी ये यह का फॉर्मूला है डी ऑक्सी ऑक्सीजन निकली हुई है ठीक है तो हमारे पास इसके अंदर क्या बनेगा सी फाइव एच टेन ओ फोर बन जाता है सो डी ऑक्सी का नाम दिया जा रहा है क्लियर पॉइंट डी ऑक्सी है और इसका रिथ्रोस यानी शुगर कौन सा होगा तो बन गया जी रिब्यूलोज राइट रिब्यूलोज का नाम देते हैं चलिए हमारे पास है और देन अगर हम सिक्स कार्बन की बात करते हैं तो वी सी सी सिक्स एच सिक्स और अगर आप आग इसका देखें तो हमारे पास एल्डो शुगर कौन सी होती कौन सा एल्डो शुगर है सिक्स कार्बन का तो आपको आइडिया होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्लूकोज एंड गलेक्टोज और इसका शुगर कौन है फ्रुक्टोज और आपको आइडिया है कि दिस आर द मोस्ट कॉमन फ्यूल राइट यही तो है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है द मोस्ट कॉमन फ्यूल इज ग्लूकोज है अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए यहां पर कि मोस्ट अबेंडेंट मोनोसेक्राइड ठीक है मोनोसेक्राइड मोस्ट अबेंडेंट मोनोसेक्राइड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ डैश क्या है आपके ख्याल में मोस्ट तो क्या ये राइबोज़ है या बी ऑप्शन क्या ये ग्लूकोज है क्या ये फ्रुक्टोज़ है या डी ऑप्शन है ये ग्लेक्टोज है जी मोस्ट अबेंडेड आपके ख्याल में क्या है ये इट्स अक राइबोज़ वाइट्स राइबोज़ भाई क्योंकि अभी राइबोस और डी आपने पढ़ा ये प्रेजेंट है इन द आर एंड डी

अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए जी स्वीटेस्ट शुगर इज स्वीटेस्ट शुगर इज डैश क्या है जी स्वीटेस्ट शुगर क्या ये अगेन ग्लूकोज है क्या ये फ्रुक्टोज़ है या ये राइबोज़ है या अगेन डी ऑप्शन आपके पास ये ऑल ऑफ दीज ही है जी अब क्या राइट आंसर आएगा स्वीटेस्ट शुगर आपके ख्याल में क्या exactly, है एक्जैक्टली इसका याद रखिएगा फ्रुक्टोज है मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर क्लियर सो लास्ट वन देखिएगा ये है आपके पास सेवन कार्बन का मालिक्यूल सी सेवन एज फोरटीन और सेवन और इसका हमारे पास है ग्लूको शुगर क्लियर बात तो हमारे पास एक जनरल सी क्लासिफिकेशन है और अब इसी किसके ऊपर बेस कर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली क्या है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली आपने पढ़ा दिस इज अ एल्डो शुगर जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटो शुगर कौन सा है डेफिनेटली जिसके अंदर कीटो कीटोनिक ग्रुप ये वाला कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है क्लियर तो इस तरह ये हमारे पास क्लासिफिकेशन अच्छा गौर से देखिएगा इधर एंड पे क्या ओज 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 एंड ओज तो व्हाट इज दैट ओज अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं कि सफिक्स ओज इन सफिक्स ओज इन कार्बोहाइड्रेट्स इंडिकेट्स अब डे में सफिक्स ओज क्या इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन इज दैट इंडिकेटिंग शुगर्स बी ऑप्शन इज दैट इंडिकेटिंग मोनोसेक्राइड्स सी ऑप्शन आपके पास इज दैट इंडिकेटिंग स्वीटनेस या डी ऑप्शन आपके पास सारा कुछ ही शो कर रहे हैं ये जी आपके हाल में इसका क्या राइट आंसर बनेगा वफिक्स ना सफिक्स मीन जो एंड पे आए तो एंड पे ओज आ रहा है तो क्या ये शो कर रहा है तो याद है तो क्या मीनिंग हो गया ट्राई तीन कार्बन वाला शुगर टेट्रोज चार कार्बन वाला शुगर पेंटोज पांच कार्बन वाला शुगर एंड सोन so ठीक है तो दिस इज द वे कि हमने इसको सिंपली क्लासिफाई किया है द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ऑबियस ऑन द फंक्शन ग्रुप क्लियर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सोलबिलिटी के लिहाज से क्लियर ओके okay, देखिएगा हम बात करने वाले हैं मोनोसेकराइड इन सोल्यूशन मोनोसेक्राइड इन सोल्यूशन सोल्यूशन में मोनोसेकर किस फॉर्म में होंगे से अगर हम सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं जी लाइक like, राइबोस uh, की एग्जांपल ले लेते ले हैं ले और यहां पर हम एग्जांपल ले लेते ले 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 हैं ग्लूकोज की और ओपन चेन स्ट्रक्चर आप देखें तो आपको आइडिया है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन और इसकी अगर हम देखें ओपन चेन स्ट्रक्चर तो आपको आइडिया दिस इज द स्ट्रक्चर <coughs> ठीक है और ये कौन सा शुगर है अभी हमने बात की राइबोज इज एल्डो शुगर ग्लूकोज इज आल्सो एल्डो शुगर है तो कौन सा ग्रुप हुआ एग्जैक्टली एल्डी एड शुगर है सी एच ओ इधर ओ एच इधर भी आप पढ़ते हैं जी ओ एच दिस इज आल्सो ओ एच एंड दिस इज सी एच टू ओ एच है ये भी क्या है एच एच और ये भी एच है ठीक है कार्बन नंबर काउंट कर का लीजिएगा कार्बन नंबर वन टू थ्री एंड दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव इसमें याद रखिए अटैक होगा तो क्या बन जाती है करती है. क्लियर और रिंग स्ट्रक्चर कैसे डिवेल्प होगी जारी सी बात जब हम इसको वाटर में लेके जाएंगे डिजोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये सॉल्यूशन बन जाएगा सॉल्यूशन कब बनता है जब एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो तो ये सोल्यूट है इसके लिए क्या लेना पड़ेगा सॉल्वेंट चलिए सपोज करें हम इस तरह एक बर्तन में हम ये ये ले लेते हैं जी पानी सपोज ये है ठीक है ये ये पानी ले लिया हमने और इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं सही ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये दोनों का रिएक्शन होगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर और आप देखिए इस तरह करके क्या बन जाएगी एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर में देखिए क्या बन रहा है यहां पर एच 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 इधर ह, ह, सामने लगा लीजिएगा ओ OH एच इधर इधर ओ OH, एच इधर ओ एच लास्ट पे क्या रहा OH आ रहा है सी एच टू ओ एच आ रहा है क्लियर ये जो रिंग बनी इसको आप क्या बोलते हो सो दिस रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज राइबो राइट सो राइबो फ्यूरानोस इसको बोलते अगेन देखिए इसके एंड में भी क्या रहा आ रहा है ओज आ रहा है ओज मीन शुगर ठीक है राइबो अभी राइबोज के लिए फ्यूरेन आपने शायद पढ़ाओ केमिस्ट्री में फ्यूरेन क्या होता है तो अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं कि फ्यूरेन इज फ्यूरेन और से इज़ डैश कार्बन रिंग डैश कार्बन रिंग है कितनी कार्बन की रिंग है इज दैट फाइव कार्बन नहीं ये फोर कार्बन की है नहीं ये थ्री है या ये सेवन है क्या राइट आंसर आएगा कितनी कार्बन की रिंग है गौर कीजिए ये कार्बन नंबर क्या है कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर थ्री कार्बन नंबर फोर है ये फिफ्थ पांचवी कार्बन तो बाहर चलेगी ना ये वाली देखिए पांचवी कार्बन बाहर चलेगी रिंग में कितनी है चार है तो राइट आंसर बीटा है क्लियर लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंबो फ्यूरोनोस राइबो फ्यूरानोस या सिंपली अगेन आप कह लें फ्यूरेन रिंग फिर इज डैश कॉर्नर्ड डैश कॉर्नर्ड रिंग कितने कॉर्नर्ड की रिंग है ऑप्शन ए अगेन ये पांच कॉर्नर्ड की रिंग है चार कॉर्नर्ड की रिंग है तीन कॉर्नर्ड की रिंग है या फिर सेवन कॉर्नर्ड की रिंग है जी कितने कॉर्नर है और कीजिएगा एक दो तीन चार और या पांच कॉर्नर पांच है अभी ठीक है कॉर्नर कितने पांच रिंग कार्बन कितनी है चार तो यहां पर राइट आंसर क्या है कॉर्नर पांच या अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि नंबर ऑफ कार्बन आउटसाइड द राइबो राइबोफ्यूरानोज़ राइबो कितनी कार्बन राइबोफ्यूरानोज़ फ्यूरोनोज रिंग के बाहर हैं आउटसाइड तो ऑप्शन है गेन आपके पास एक है नहीं ये दो या फिर तीन या फिर कोई भी नहीं जी क्या इसका राइट आंसर आएगा तो अभी आपने देख लिया एक कार्बन ही तो बाहर है ठीक है सो वन कार्बन इज आउटसाइड तो आप देखिए इस तरह करके ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर पॉइंट क्लियर उसी तरह अगर आप ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये भी क्या है ये भी तो एल्डो शुगर है इसमें भी ऐसे ही है क्लियर तो हमारे पास इस तरह करके तीसरी कार्बन भी ऊपर आपको आइडिया थोड़ा सा कि एक तरफ एच होता है

ले जी एक दो तीन चार पांच और ये छ हैं सही अब इसमें ये जो है नाउ दिस विल अटैक ऑन दिस वन तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं यानी फिफ्थ और वन इधर फोर्थ और वन ठीक है इसको भी अगर आप पानी में लेकर आए इसके लिए भी बर्तन अरेंज करें जी ले जी इसको भी हमने एक बर्तन में डाल दिया राइट और ये है आपके पास पानी जब इसको ऐड करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगी आपको रिंग लाइक दिस वन राइट दिस वे यू गैट यू गैट अ रिंग और इसमें देखिये ओ एच इधर ओ एच इधर इधर ओ एच और इधर ओ एच यानी इस तरह जिक्स जैग में आप कंसिडर कर लें ओ एच ओ एच लगा ले ठीक है और यहां पर एच एच इधर बी एच क्लियर और इधर भी एच इधर भी एच और लास्ट पे आपको आइडिया क्या होता है सी एच टू ओ एच होता है क्लियर अब इसमें भी इधर कौन कर लें कार्बन नंबर वन है टू है थ्री है फोर है एंड देन फाइव सो कितनी कार्बन की रिंग है पहले तो ये देख लें कौन सी है रिंग कौन सी है दिस इज कार्ड इज ग्लूको पायरानोज ग्लूको पायरानोज ओस अगेन देखिएगा क्या रहा है शुगर के लिए रहा है प्योर पायरेन वॉट इज पायरेन रिंग है अगर आप सी क्वेश्चन किया जाएगा ग्लूको पायरोज लिख लें पायरेन लिख लिया ग्लूको पायर इज डैश कार्बन रिंग अब बता दें कितनी कार्बन का एक दो देखिए वन टू थ्री फोर और ये फाइव फाइव कार्बन की रिंग है राइट सो ऑब्वियसली फाइव कार्बन की रिंग है अगेन देखिए पायरीन इज डैश कॉर्नर्ड रिंग कारनर्ड रिंग कितनी कॉर्नर्ड की रिंग है गेंद देखिए एक दो तीन चार पांच और ये छे सिक्स कॉर्नर्ड रिंग है या नंबर ऑफ कार्बन आउटसाइड साइड फ्यूरेन रिंग अब कितनी कार्बन बायर है तो गेंद देखिए एक ही है ये वाली छठी कार्बन राइट तो ये हमारे पास वन या अगर आप सी भी क्वेश्चन किया जाता विच कार्बन नंबर इज आउटसाइड द राइबो ग्लूको पायरानोज विच कार्बन नंबर इज आउटसाइड द ग्लूको पारानोज कितनी कार्बन नंबर बाहर है कौन सी वाली सिक्स कार्बन नंबर ये बाहर है अंडरस्टैंड होगी बात तो इन दिस वे ये स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं नाम दिया जा रहा है क्या वाला ग्लूको पायरानोज एंड राइबोफ्यूरोनोज क्लियर ओके नेक्स्ट देखिएगा ओके नेक्स्ट देखिएगा हम बात करने वाले स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टीरियो आइसोमरिजम इन ग्लूकोज स्टीरियो आपने ये केमिस्ट्री में भी टर्म पढ़ती है स्टीरियो आइसोमिलिज्म क्या होता है दैट मॉलिक्यूल्स हैविंग स्टीरियो आइसोमर्स इसमें हम बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स की राइट स्टीरियो आइसोमर्स एंड व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स मींस हैविंग सेम मलेक्कुलर फार्मूला हैविंग सेम मोलैकुलर फॉर्मूला बट बट डिफर कर रहे हैं डिफर इन हाउ ओ एच ग्रुप्स आर अरेज हो एच ग्रुप्स आर अरेज के ओ एच ग्रुप्स कैसे अरेन्ज्ड है स्पेस में ठीक है और इसमें भी एक टर्म यूज दी नेंशोमर्स इनैंशोमर्स क्लियर इन की अगर हम बात करते हैं तो याद देखिए ये भी क्या है देआर ऑल्सो सेम मैकुलर फॉर्मूला है बट वी सी क्या होगा भला देआर मिररल इमजिस तो इसमें क्या हो रहा है आइसोमर्स आइसोमर्स विच आर मिररर इमजिस मिरर इमज बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल बट नॉन सुपर इंपॉजिबल यानी एक दूसरे के मीर इमेज तो है बट सुपर इंपॉसिबल नहीं है सुपर इंपॉजिबल मीन एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली फिट नहीं बैठेंगे जैसे अभी हमने ग्लूकोज की बात की यह अभी हमने ये स्ट्रक्चर देखी थी दिस वॉज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ठीक है और यहां पर हमने बात की अभी ये सारे ओ एस ग्रुप्स हैं इधर एच लास्ट पे यहाँ पे सी एच टू ओ एच है और यहां पर भी एच है अब अगर इसको मिरर में लेकर जाए मिरर में देखें जरा तो इसका जो मिरर इमेज है एग्जैक्टली exactly, वो भी सिमिलर ही होगा इस तरह का बट ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे है तो ये मिरर इमेज दे आर व्हाट मिरर इमेज है दे आर मिरर इमेज यानी वैसे ही आप देखिए इधर एच इधर ओ एच है इधर भी ओ एच ओ एच और इधर एज बाकी सारा ऐसे ही है बट दे आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल यानी अगर आप इसको इसको अगर आप देखें इसको ये ऐसे है इसको अगर आप यूं लेकर आए इसके ऊपर यानी इसको अगर यू इसके ऊपर कन्वर्ट करें इसको ऐसे लेकर आए इसके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल यानी एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली फिट नहीं बैठेंगे है तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोसिबल है अंडरस्टैंड है और इसको हम कहते हैं ये राइट हैंडेड है दिस वन इज राइट हैंडेड और इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड या इसको सिंपली आप क्या लिखते हो एल शुगर लिखते हो राइट सो दिस इज एल शुगर एंड दिस वन इज डी शुगर डी शुगर या डी ग्लूकोज आप इसको बोल रहे हो डेक्स्ट्रो लीवो नहीं है ये याद रखिएगा इट्स नॉट अ डेक्स्ट्रो एंड लीवो ठीक है दिस इज डी ग्लूकोज एंड दिस इज एल ग्लूकोज है राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं क्लियर और इसमें याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन किया जाता है ओके क्वेश्चन देखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि नेचुरली अकरिंग नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज इज डैश आपके ग्लूकोज किस फॉर्म के अंदर होता है इज दैट एल ग्लूकोज बी ऑप्शन है इज दैट अ डी ग्लूकोज सी ऑप्शन आपके पास डी एंड एल ग्लूकोज दोनों ही हैं या फिर डी ऑप्शन आपके पास है कोई भी नहीं है जी क्या इसका राइट right आंसर बनेगा तो याद रखिएगा जो नेचुरली अक्रिंग है इट्स अ डी ग्लूकोज होता है और ये जो एल ग्लूकोज है दिस वन याद रखिए सिंथेटिक फॉर्म होती है ठीक है सो एल फॉर्म एल ग्लूकोज दिस वन इज सिंथेटिक फॉर्म होती है क्लियर सो so, हमारी बॉडी किस चीज को डाइजेस्ट कर सकती है किस चीज को एनर्जी uh, की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है याद रखिएगा ये डी ग्लूकोज होता है बिकॉज अवर इंजाइम आर ऑल्सो राइट हैंडेड अगर लेफ्ट हैंडेड के लिए होगा तो वी फिर उसके लिए इंजाइम होंगे जो कि नहीं है हमारी नेचुरल बॉडी के अंदर पॉइंट क्लियर हो गया तो ये हमारे पास केस था आ, इसका स्टीरियो आइसोमरिज्म का फिर इसमें हमने अभी बात की थी सिंसिस की तो अगेन आपको आइडिया है सिंसिस कैसे होती है बाय डेफिनेटली फोटो सिंसी और फोटो सिंसिस में आपको आइडिया है हम बनाते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड को लाते हैं वाटर से मिलाते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन को निकालते हैं सही जी बात यहाँ पर ये यह बन बन गया इसके अंदर क्लियर ग्लूकोज फॉर्मेशन हुई फोटोसिन फोटोसिन में अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है आपने एक चीज पढ़ी कि यहां पर लाइट रिक्वायर्ड होती है तो ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आपने पढ़ा दिस इज ऑब्वियसली सेवन वन सेवन पॉइंट सिक्स किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड ऐसी है अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि वन ग्राम के लिए बताएं कितना है वन ग्राम ऑफ़ ग्लूकोज के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो टेन के लिए इतना है वन के लिए कितना हो जाएगा सेवन वन पॉइंट सेवन सिक्स किलो कैलोरीज एनर्जी ऐसी है ना एंड वन मिली वन ग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड मिलीग्राम ग्राम वन ग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड मिलीग्राम तो कोई भी आपको यूनिट दिया जा सकता है ठीक है और ये इसमें भी आपको बताएं सेम ही आएगा सेवन वन पॉइंट सेवन सिक्स किलो कैलोरीज एनर्जी आ जाएगी ठीक है तो किसी फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है फिर आपको ब्लड में आपके कितना ग्लूकोज इफ यू रिमेंबर इन द ब्लड तो ब्लड में कौन है ग्लूकोज आपने पढ़ा जीरो पॉइंट जीरो एट परसेंट होती है ठीक है जीरो पॉइंट जीरो एट परसेंट इसके अंदर मौजूद है देन यू नो देर इज अ फ्री फॉर्म एज वेल एंड देन यू मे से यू आर अ कंबाइंड फॉर्म क्लियर फ्री फॉर्म फ्री फॉर्म में कितनी है कौन सी फॉर्म है आपने पढ़ा दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फेग डेट्स ग्रेप्स ये सारी आपको फ्री फॉर्म में ग्लूकोज मिल सकते हैं बट इनकेस कंबाइंड फॉर्म यू मे फाइंड कंबाइंड फॉर्म के अंदर आपको आइडिया जी इट्स अगोसेकर बात क्लियर होगी जी तो ये हमारे पास फ्री और कंबाइंड फॉर्म है सो so, ये भी हमने बात की किसके बारे में वाला मोनोसेक्राइड के बारे में क्लियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन द ओलिगोसेक्राइड्स ओके सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओलिगोसेक्राइड्स ओलिगो सेक्राइड्स और आपको आइडिया है कि जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं ओलिगो किसको हम बोलते हैं वट इज दैट ओलिगो मीन अ फ्यू एन यूनोसेक्राइड किस को बोला जाता है अगेन दिस रिप्रजेंट्स शुगर्स तो अफ्यू शुगर की बात करने वाले हैं अच्छा मोनोसेक्राइड में आपने क्या पढ़ा था थ्री कार्बन से सेवन कार्बन के मालिक्यूल से इंडिविजुअल मालिक्यूल मोनोसेक्राइड इंडिविजुअल इंडिविजुअल मालिक्यूल से राइट right? इस तरह करके इंडिविजुअली बट हेयर हम बात करने वाले हैं किसकी टॉकिंग अबाउट टू टू टेन मोनोसेक्राइड्स की हम बात करने वाले ठीक है सो so, टू से टेन मोनोसेक्राइड वीन दो मोनोसेक्राइड अटैच हो सकते हैं Suppose this one, ये दो अटैच हैं, इस तरह करके तो क्या बोलेंगे इसको दिस मस्ट बी कॉल्ड एज डाई सेक्राइड डाई सेक्राइड इसको बोलेंगे और अगर तीन अटैच हैं, तो नाम क्या देंगे ये एक दिस सेकेंड वन एंड दिस थर्ड वन तब क्या नाम देंगे इसको ट्राई सेक्राइड्स का नाम देंगे और अगर चार होंगे तो टेट्रा सेक्राइड पांच होंगे तो पेंटा छे हेक्सा इस तरह ऑनवर्ड चलते जाएंगे डेका सेक्राइड तक मूव करना है हम लोगों ने पॉइंट क्लियर और विशी बीच में क्या आपको नजर आ रहा है व्हाट इज दिस दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सो ग्लाइको सिडिक बॉन्ड और यूमिसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है क्लियर अच्छा ट्राइसेक्राइड में कितने ग्लाइकोसिडिक हैं आप दो है ट्राइसेक्राइड में दो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है डाइसेक्राइड में कितने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है एक ठीक है टेट्रासेक्राइड होता तो उसमें कितने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने थे तीन क्लियर पॉइंट तो जितनी चेन होगी उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा सिंपल है तो एक माइनस कर दे पीछे दो रह गए तो, आगे तो आगे दो बॉन्ड इसके अंदर आ रहे हैं सही अगर हम फीचर्स की बात करें कुछ जनरल से फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको आइडिया इसमें हम सिंपल uh, यूज कर सकते हैं लेस स्वीट आपने ट्रिपल एस याद किया था मोनोसेक्राइड में उन ट्रिपल एस के साथ आप लेस लेस लगा दें तो क्या होगा पहले आपने ट्रिपल एस पढ़े थे इनके साथ आप लेस लगा दें क्या बन जाएगा सो लेस स्वीट लेस सिंपल है लेस सोलुबल है राइट लेस सोलुबल कैन बी हाइड्रोलाइज यस, इट कैन बी हाइड्रोलाइज कैन बी व्हाट? हम इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं क्यों हाइड्रोलाइज कर सकते हैं? बिकॉज दे हैव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स मौजूद होते हैं पॉइंट समझ में आगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं अच्छा अगर मैं आपसे यहां एक क्वेश्चन करूँ के डैश ओलिगोसेकर ओलिगो सेक्राइड एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट मालिक्यूल हाँ जी कौन सा आपके हाल में उलिगोसेक्राइड है दैट ट्रांसपोर्ट के तौर पे इन्वॉल्व uh, होता है ऑप्शन ए इज दैट सुक्रोज बी ऑप्शन इज दैट माल्टोज सी ऑप्शन इज दैट लेक्टोज या डी ऑप्शन है आपके पास सारे ही बनते हैं इस केस में जी क्या राइट right आंसर बनेगा तो याद इस एग्जैक्टली exactly, सुक्रोज है भाई ठीक है बनता क्या है आपने पढ़ा प्लांट्स के केस में अगर आप बात देखें प्लांट्स इन केस ऑफ की जगह आपके पास ये एक प्लांट है प्लांट प्लांट में ड्यूरिंग फोटोसिज क्या है जो बना दैट इज ऑब्वियसली ये ग्लूकोज बना है क्या बना ग्लूकोज बनेगा ग्लूकोज फिर एक और अटैच हो जाता है इसके साथ इन दिस वन इस तरह ये क्या बन गया जी सुक्रोज बना ग्लूकोज है ट्रांसपोर्ट किसकी हो रही है ये देखिए ट्रांसपोर्ट हो रही है किस फॉर्म में सुक्रोज की फॉर्म में अंडरस्टैंड और फिर आपको जाके स्टोर हो जाता है सो दिस विल गेट स्टोर स्टोर किस फॉर्म में होगा आपने पढ़ा जो स्टोर होता है दैट इज स्टार्च ये भी हम पढ़ेंगे इसके ऊपर तो बना क्या ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट क्या हो रही है सुक्रोज की स्टोर क्या हो रहा है स्टार्च ठीक है तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं आ, सुक्रोज कैसे बनता है तो आपको आइडिया जी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं ये बनाएंगे जी सुक्रोज की ठीक है एक आपको एग्जाम्पल दे देते बाकी आप उसको खुद ड्रा कीजिएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा की थी इफ यू रिमेंबर दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ओके ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली सो दिस इज इंडिकेटिंग फ्रुक्टोज़ दोनों आइसोम आइसोम क्या होते हैं सेम ओलैकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला तो आप देखिए दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है ये देखिएगा ये आपके पास फ्रूक्टोस की यह स्ट्रक्चर है क्लियर तो मालिकुलर फार्मूला सेम है दोनों का क्या मोलैकुलर फार्मूला है दैट इज सी सिक्स एच टिकार्मूला भी यही है ठीक है अब ये देखिए इधर ओ एच है दोनों में से सपोज इधर से दोनों शुगर है आप इधर से एच ले सकते हैं इधर से ओ एच ले सकते हैं इट्स टू यू ठीक है दोनों शुगर है कोई नहीं कि इधर से दोनों गया यहां से ओ एच इधर से एच क्या रिलीज हो गया माइनस वाटर इसको हम कर देते हैं ठीक है तो जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो देखिए क्या बन जाएगा यहां पे बॉन्ड डिवेल्प हो जाएगा ये देखिए मैं इसको इधर ही रिलीज कर देता हूं पीछे बीच में क्या रहेगा ऑक्सीजन हम इसको सेंटर में लिख देते हैं ऐसे करके तो यहां पर ये देखिएगा ये लिंकेज डिवेल्प हो गई है इसको नाम क्या दे रहे हो यस दिस इज द लिंकेज जिसको आप नाम दे रहे हो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम दिया जा रहा है ठीक है लिंकेज अब कौन सी ये लिंकेजेस है अब देखिए कौन सी काबंदी कार्बन कावड़ नंबर वन ये कौन सी कार्बन है कार्बन नंबर वन ये कार्बन नंबर टू है तो कौन सी लिंकेज बन गई सुक्रोज के अंदर तो ये जो सुक्रोज है जनरली तौर पर इससे है बट मोर स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू ग्लूकोज फ्रुक्टोज से मिलके क्या बना रहा है सुक्रोज बना रहा है अंडरस्टैंड आपको बात तो इस तरह याद रखिए हमारे पास ये डाइसेकर लिंकेज कौन सी आएगी हम कहेंगे जी एल्फा वन टू लिंकेज इसके अंदर पाई जाती है तो ये क्या इंपॉर्टेंट है एम सी क्यूज है इसके अंदर पूछा जाएगा आपको ये कौन सी लिंकेज पाई जाएगी सुक्रोज में तो अब देखिए एल्फा वन टू लिंकेज पाई जाती है अल्फा याद है वाइट इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा अगर आप पढ़ते हैं जी अगर ये ग्लूकोज है कोई शुगर है कार्बन नंबर वन के ऊपर अगर वो एच नीचे है एल्फा ग्लूकोज या एल्फा शुगर और अगर इसी ओ को आप कार्बन नंबर वन वाली ऊपर इस तरह शो करेंगे तो ये क्या है एग्जैक्टली exactly. सब बीटा ग्लूकोज का नाम देंगे अंडरस्टैंड होगी बात जी तो इस तरह देखिए एल्फा और बीटा में डिफरेंस है अब अगर माल्टोज की एग्जाम्पल है ये हमारे पास पहली एग्जाम्पल है अगर ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलेगा तो क्या बन जाता है सो so, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएगा एग्जैक्टली इट्स अ माल्टोज बनाता है और अभी मैंने आपसे एक बात की थी सुक्रोज इट्स अ ट्रांसपोर्ट शुगर है और इसको टेबल शुगर ठीक है टेबल शुगर या इसको केन शुगर भी बोलते हैं राइट right? केन शुगर और टेबल शुगर का नाम भी दिया जाता है पॉइंट क्लियर हो गया और ये जो है इसको माल्ट शुगर कहते हैं इट्स अ माल्ट शुगर का इसको माल्टोज यू में से माल्ट माल्टोज कब बनता है यस yes, आपने पढ़ा जब आ, स्टार्च और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है तो याद रखिएगा स्टार्च और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से ये बनता है यानी देखिएगा स्टार्च और ग्लाइकोजन की जब ब्रेकडाउन होती है तो क्या बनता है माल्टोज बनता है क्लियर बात अच्छा इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बना के देखिएगा ये अगेन देखिएगा ग्लूकोज है दिस वन इज ग्लूकोज इधर ओ सो दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगेन ये अगेन आप इस तरह एक और आप ग्लूकोज ड्रा कर ले इसके अंदर ये अगेन देखिए क्या है 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 दिस इज अगेन कार्बन 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 नंबर 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 ये कौन सी सो रिलीज हो गया वाटर तो यहां पर बॉन्ड डिवेल्प हो जाएगा इनके बीच में ठीक है क्या बन गया इस ऑविस बॉन्ड को नाम देते हैं ग्लाइको बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी बॉन्डिंग हुई दैट इज डेफिनेटली अल्फा वन फोर तो इसमें आप देखिए कौन सी बॉन्डिंग है अल्फा वन फोर लिंकेज पाई जा रही है किसमें वाला माल्टोज के अंदर अंडरस्टैंड होगी बात जी तो इस तरह ग्लूकोज फिर लास्ट पे देखिए एक और एग्जाम्पल हम बात करते हैं सो so, ग्लूकोज जब ग्लेक्टोज से मिलता है ग्लूकोज और ग्लेक्टोज तो क्या बन जाता है वाला एग्जैक्टली exactly जो चीज बनती है इट्स लैक्टोज और आपको पता है लैक्टोज को क्या बोलते हैं दिस इज एग्जैक्टली अ मिल्क शुगर का नाम दिया जाता है ठीक है इसमें अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कौन सी लिंकेज है तो डेफिनेटली जो लिंकेज है इट्स अ बीटा वन फोर लिंकेज पाई जाती है ठीक है बीटा वन फोर इसमें है अल्फा वन फोर इसमें है और इसमें अल्फा वन टू लिंकेज है क्लियर होगी बात भी तो हमारे पास ओलिगोसेकर की बात की है लास्ट वन देखिए हम बात करने वाले हैं की अच्छा इसमें एक और पॉइंट देख लीजिएगा याद रखिए इसमें ये दोनों जो है माल्टोज और लैक्टोज दे आर रिड्यूसिंग शुगर एंड दिस वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो ये पहले पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसको लिख लें जरा इसमें सुक्रोज ये जो है दिस इज नॉन रिड्यूसिंग है ये रिडक्शन नहीं कर सकता लेकिन जो माल्टोज है माल्टोज प्लस लैक्टोज याद दोनों जोन से दे आर रिड्यूसिंग शुगर राइट सो दे आर रिड्यूसिंग शुगर अंडरस्टैंड। अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं कि डैश डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट आपके ख्याल में कौन है जो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा अब आपको याद होना चाहिए फेलिंग टेस्ट वही देते हैं जो रिड्यूसिंग होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग नहीं देते तो राइट आंसर मस्ट भी क्या बनेगा डेफिनेटली दैट मस्ट बी द सुक्रोस पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया तो ये फैलिंग टेस्ट नहीं देगा क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग है बाकी रिड्यूसिंग याद देखिये मोनोसेक्राइड जो आपने पढ़े थे वो सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं इनमें से ये दो रिड्यूसिंग है ये नॉन रिड्यूसिंग है ठीक है ओके okay. पॉलीसेक्राइड्स सो so, टॉकिंग अबाउट about... पॉलीसेक्राइड्स और आपको था पॉलीमीन मैनी सेक्राइड शुगर यानी बहुत सारे शुगर इकट्ठे होंगे यहाँ पे और इसमें याद रखिएगा इसके जनरल कैरेक्टर में अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स है मोस्ट अबंडेंट स्प्रेंगली सोलोबल है क्लियर स्प्रेंगली तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं विच वन इज स्प्रेंगली सोलूबल इन वाटर मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड के पोलिसेक्राइड पोलीसेक्राइड स्प्रेंगली सोलबल है मोस्ट कॉम्प्लेक्स है अबंडेंट है स्प्रेंगली सोलबल इन वाटर है ज अगेन कैन बी हाइड्रोलाइज ये सो कैन बी हाइड्रोलाइज यानी इनके हम हाइड्रोलिस कर सकते हैं ठीक है अब इसमें याद रखिए दो इसकी टाइप्स है एक हम कहते हैं होमोपोलिसक्राइड होमो पोलीसेक्राइड्स और दूसरे जो उनसे हैं उसको हम कहते हैं हेट्रो है पोली का नाम देते हैं होमो किसको कहते हैं सेम को यानी ऐसे पोलीसेक्राइड जो सेम यूनिट से मिलकर बने होंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्च जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज जैसे फॉर एग्जाम्पल काइटिन तो याद रखिएगा दे आर मेड अप ऑफ सिंगल रिपीटिंग यूनिट्स एंड दैट्स ग्लूकोज यानी ग्लूकोज मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे ये चीज़ें बनेंगी होमोपोलिस ठीक है और ये जोन से हैं इसमें अगर आप देखिए, एगर है पैक्टिन है काइटिन है, है एगर पैक्टीन एगरोज ठीक है जी इसके अलावा डेक्सट्रिन है डेक्सट्रिन एगर है पैक्टिन है डेक्सट्रिन है एक्सेट्रा तो याद देखिए ये सारी चीज़ें हमारे पास हाइड्रोपोलिसक्राइड में आते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स क्लियर अच्छा इसमें हमारे पास पहले नंबर पे देखिए हम टॉकिंग अबाउट द स्टार्च स्टार्च की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि डैश कर डैश पॉलीसेक्राइड शोज स्टोर्ड फॉर्म इन एनिमल्स डैश पॉलिसेक्राइड शोज स्टोर्ड फॉर्म आप ख्याल में कौन सा है जो सा स्टोर्ड फॉर्म है पॉलिसेक्राइड का ऑप्शन ए क्या ये हम स्टार्स की बात कर रहे हैं नहीं हम तो ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं नहीं तो क्या हम सेलोस की बात कर रहे हैं या नहीं हम सारों की ही बात करते हैं छोड़े हाँ जी क्या राइट आंसर आएगा एग्जैक्टली exactly इसका राइट आंसर जो बनेगा ये देखिए कह रहे स्टोर्ड फॉर्म इन एनिमल्स हमारी बॉडी में कौन सा स्टोर्ड है ग्लाइकोजन ठीक है ये ग्लाइकोजन है अच्छा अगर मैं यहां पे फॉर लगा लेता फॉर एनिमल्स फॉर एनिमल तो राइट आंसर क्या आता स्टार्स आता फॉर एनिमल्स प्लांट्स में स्टोर है ना वो हमारे लिए है फॉर एनिमल्स स्टार्स इन एनिमल्स दैट इज ऑब्वियसली ग्लाइकोजन पॉइंट क्लियर हो गया तो हमारे पास इसकी भी दो टाइप्स हैं आपने पढ़ा और वो टाइप्स कौन सी हैं इट्स अमाइलोज एंड अ माइलो राइट अमाइलोज एंड अमाइलो पैक्टिन की हम बात करते हैं राइट सो अमाइलोज आपने पढ़ा ज्यादा सबसे बर्डेंट कौन है अमाइलोज के माइलो तो याद रखिएगा, जस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट ठीक है और uh, uh, ये पाया जाता है, clear? और याद रखिए आपने this is this is this is अच्छा अगर मैं आपसे सवाल करूँगा माइलोज में कौन सी बॉन्डिंग होगी तो आपको पता है माइलोज में ये होगा alpha -1 -4 linkage, alpha -1 -4 linkage, अल्फा वन फोर लिंकेज ठीक है अल्फा वन फोर लिंकेज और इसमें कौन सी होगी अल्फा वन फोर और इसके अलावा अल्फा वन सिक्स भी लिंकेज है क्लियर क्योंकि ब्रांच है ब्रांच में याद देखिए अल्फा वन सिक्स में लिंकेज पाई जाती है विच वन इज सॉलबल इन हॉट वाटर तो आपको तो दिस वन इज सॉलबल इन हॉट वाटर एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट सॉलोबल इन इधर हॉट और यू मे से कोल्ड वाटर पॉइंट क्लियर हो गया जी तो हमारे पास ये टाइप्स uh, में हम इसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं एक आयोडिन का टेस्ट भी आप पढ़ते हैं इसको, iodine test, iodine starch, कौन सा आपको कलर देता है नेक्स्ट so, देखिएगा तो हम बात, कर रहे थे। बात करने वाले नंबर टू पे दैट इज स्टार्च के बाद है ग्लाइकोजन राइट right? और अभी मैंने आपसे कहा ग्लाइकोजन क्या है स्टोर्ड फॉर्म इन एनिमल ठीक है हाईली ब्रांच में अगर आपसे क्वेश्चन करूं हाईली ब्रांच पॉलीसेक्राइडिस हाईली ब्रांच पॉलीसेक्राइडिस डैश कौन सा हाईली पॉलिस्ट इज दैट ऑप्शन इज दैट ग्लाइकोजन है बी ऑप्शन नहीं हम स्टार्स की बात कर रहे हैं नहीं जी ये सेलुलोज है या फिर डी ऑप्शन आपका क्या ये कॉल्टीन है जी क्या राइट आंसर आएगा हाईली ब्रांच तो याद रखिएगा इसका राइट right आंसर है ग्लाइकोजन इस हाईली ब्रांच और इतना ब्रांच टाइटली पैक्ड होता है किसके अंदर बोला हमारी सार्कोमेयर के अंदर रिमेंबर हमारे मसल में ये मौजूद है स्टोर तो कहां पर ये स्टोर होता है सो यू रिमेंबर ये स्टोर होता है दो जगहों पे एक तो ऑब्वियसली हमारे लिवर में एंड देन यू नो हमारे मसल में जाके ये स्टोर होता है क्लियर लिवर में लिवर में बोलेंगे हिपैटोसाइड्स और मसल में मायोसाइट्स माओसाइड्स लिवर में -to और मसल में तो माओसाइट्स मायोसाइड्स में जाके स्टोर होता है पॉइंट क्लियर हो गया जी देन आपको एक और चीज का भी आइडिया है कि क्या ये आयोडिन टेस्ट देगा यस इट गिव्स यू आयोडिन टेस्ट सो आयोडीन प्लस ग्लाइकोजन ये आपको कौन सा कलर देगा तो आपको आइडिया दिस विल गिव्स यू आर रेड कलर ठीक है तो ये भी आयोडीन का टेस्ट है ग्लाइकोजन में लिंकेज कौन सी होगी एग्जैक्टली exactly, जी इसमें चूंकि ब्रांच फॉर्म है तो याद रखिए आपको जो देती है इसमें अल्फा वन फोर है और इसके अलावा अल्फा वन सिक्स से बॉन्डिंग पाई जाती है ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू चूँकि ये ब्रांच फॉर्म है तो याद रखिए ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू माइलोपैक्टिन बिकॉज दिस इज ऑल्सो ब्रांच अंडरस्टैंड अ बात तो ये हमारे पास दोनों जोन से है ये क्या है ब्रांच फॉर्म में पाए जाते हैं ओके सो थर्ड जो टाइप है यू नो दैट वन इज सेलुलोज़ क्लियर अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि मोस्ट मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड इज डैश मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड कौन सा होगा तो डेफिनेटली ये हम सेलुलोज की ही बात कर रहे हैं अच्छा अगर सेलुलोज़ ना होता तो तो डेफिनेटली हम पॉलीसेक्राइड की बात करेंगे क्लियर क्योंकि हमने पहले ही कह दिया मोस्ट पॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड में मोस्ट क्या होगा सेलुलोज होगा क्लियर फिर आपको आइडिया ही है, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता ठीक है इसकी अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो क्या है दिस इज नॉट डाइजेस्टेड सो सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड नहीं टूटता शुगर में नहीं क्यों नहीं टूटता वाई बिकॉज वी डोंट हैव सेलुलेस ये हमारी बॉडी में नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होगा इसलिए ऐसा चीज़ बॉडी से रिमूव हो जाता है ठीक है बट इन केस ऑफ हर्बीवोस आपको आइडिया कि हर्बीव की गट में रहते हैं कुछ माइक्रोब्स, राइट सो सेलुलोज और इनकी गट में क्या रहते हैं माइक्रोब्स And these microbes will going to produce cellulase, ठीक है ये cellulase याद रखिए produce करते then obviously they are converted into simple sugars and these sugars definitely क्या होंगे बोला glucose होंगे, understand होगी बात ये, तो ये हमारे पास case है, किसका बोला cellulose का, इसमें अगर आपसे question किया जाए क्या ये iodine test देता है, तो आपका idea there is no iodine test, right, no iodine test. बॉन्डिंग कौन सी होगी लास्ट वन में देखिए सो द बॉन्डिंग विल बी याद है कि इसमें बीटा वन फोर बॉन्डिंग पाई है बीटा वन फोर लिंकेज इसके अंदर पाई जाती है सेलुलोज के अंदर पॉइंट क्लियर हो गया जी तो मोस्ट अबंडेंट है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता और इसकी जो प्योर फॉर्म आप पढ़ते हैं सो द प्योर फॉर्म इज दैट वन इज अ कॉटन ठीक है जी चलिए था हमारे पास आज का लेक्चर नंबर वन ऑफ यूनिट नंबर टू बायोलॉजिकल मालिक्यूल में, में से कार्बोहाइड्रेट आज मैंने डिस्कस किए हैं आई होप के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे बट स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी क्वेश्चन है सो यू डायरेक्टली मैं आस्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है जी चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़